নবদ্বীপ ধাম ধন্য নদিয়া বাসী, আকাশের চাঁদ মাটির ধরায় ধরা দিল বুঝি আসি, প্রণমামি সদা প্রভুপাদ পদং, বিশ্ববাংসুত দয়িতানুচরম চরণাশ্রিত রে উদরাসঙ্গম, মহারাধুত পাবন সাথী পদম প্রণমামি সদা প্রভুপাদ পদম, প্রণমামি সদা প্রভুপাদ পদম। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 কৃষ্ণ।
নিতাই গৌরাঙ্গ 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 Yeah.
तो गौरांग महाप्रभु भाव में आ गए, बोले मैं ही कृष्ण हूँ। वो ही विष्णु के आसन पर बैठ गए, सब शालिग्राम शिला को अपनी गोदी में रखा और भगवान ने बोला और लाओ मुझे भोजन। जिसे गोवर्धन पर्वत को जब भगवान ने उठाया तो भगवान ने क्या बोला, हनी ओर और खाना है मुझे, और भूख लगा है, लाओ। तो पूरे वृंदावन के सब वासी खीर का पहाड़ बना दिया, पूरी का खड्डा खीर का पूरा भर दिया और भगवान सब खा गए एक क्षण। फिर बोल रहे और लाओ तो क्या किया सब भक्तों, तुलसी का पत्र दे दिया भगवान संतुष्ट हो। उसी प्रकार यहाँ भी गौर हरी बैठ गए और सब भक्तों कहते और लाओ तो पूरे नवद्वीप से सब भक्त अलग अलग व्यंजन बना के लेके आए गौर हरी के लिए और सब लोगों ने गंगा के तट से यहाँ तक लाइन लग गया, हजारों भक्त मटका भर भर के दे रहे हैं और भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। कोई चिंता मत करो, तुम संकीर्तन करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।
उसके बाद नित्यानंद प्रभु आगे उधर नवद्वीप में मिलने के लिए, तो गौर नित्यानंद का मिलन हुआ और उसी समय गौरांग महाप्रभु ने कहा हम व्यास पूजा बनाएंगे, आज श्रीवास संगम में व्यास पूजा बनाएंगे, तो श्रीवास पंडित है वो पुजारी बनेंगे और व्यास पूजा कौन करेगा? नित्यानंद बलराम जगत गुरु है, इसलिए ये व्यास पूजा करेंगे। तो श्रीवास ठाकुर ने यहाँ सब भक्तों को सम्मिलित किया और गौरांग महाप्रभु बैठ गए और श्रीवास ठाकुर ने सब मंत्र पढ़े, व्यास पूजा की और हार दिया। तो नित्यानंद प्रभु के हाथ में हार था, नित्यानंद प्रभु ऐसे ही खड़े पांच मिनट तक वो हार नहीं चढ़ा रहे, व्यासदेव जी का सामने फोटो है उसके ऊपर नहीं चढ़ा रहे। तो श्रीवास ठाकुर ने बोला हे गौर हरि देखो आपका नित्यानंद हार क्यों नहीं चढ़ा रहा है, व्यास पूजा पूर्ण कैसे होगा, व्यासदेव जी को हार नहीं चढ़ाएगा। जब ऐसा बोला तो नित्यानंद ने वो हार लेके गौरांग महाप्रभु के ऊपर रख दिया। गौरांग तो दोनों में लिंक होगी ऑर्डर।
तो कौवा वापस लोटा लेके आ गया। और जब मालिनी ने वो लोटा को देखा तो मालिनी ने इधर बहुत सुंदर स्तुति किया निश्याम को। सेवासंगत ने मालिनी ने कहा, अरे नित्यानंद, तुम्हारे शक्ति से तो पूरा सृष्टि संधिनी शक्ति से ये धाम प्रकट हो गया है। ये कौवा को लोटा लाना ये कौन सा बड़ा बात है? ये कोई लीला आपके लिए कोई बड़ा लीला नहीं है। सारे चल अचल सब जीव आपकी तो शक्ति से चल रहे हैं। आप सबके हृदय में शिरोगत श्री विष्णु के रूप में विराजमान है, अंतर्यामी है। आपके हजारों फन अनंत शेष के ये पूरा ब्रह्मांड राई के दाने की तरह आपके फन के ऊपर रहता है। तो ये कौवा से वापस लाना कौन सा बड़ा बात है? ऐसे नित्यानंद प्रभु का बहुत स्तुति है। और एक बार गौरहरि स्वयं आ गए इधर सेवा सांगन में रोज आते थे और गौरांग महाप्रभु यहाँ बैठ गया। गौरांग महाप्रभु ने बहुत बड़ा परीक्षा किया श्रीवास। गौरांग महाप्रभु ने कहा, श्रीवास इधर आओ। श्रीवास तुमको पता है तुम्हारे घर में तुमने किसको रखा है? श्रीवास ने बोला, कौन है महाप्रभु कौन? तो ये नित्यानंद, ये तो अवधूत है, ये कहां से आया है, उसके कौन माता पिता है किसी को नहीं पता है, तुम्हारा जाति को भ्रष्ट कर दिया है। कौन है अवधूत? इसकी कोई जाति कोई पता नहीं। तुम इसको जल्दी बोलो इसको जाने के लिए, अभी ज्यादा टाइम मत रखो तुम्हारे घर में नित्यानंद को। ये भगवान नित्यानंद प्रभु की महिमा दिखाना चाहते हैं सारे संसार। तो श्रीवास ठाकुर को बहुत कहा भगवान ने, तो श्रीवास ठाकुर मुस्कुरा दिए। श्रीवास ठाकुर ने कहा, भाई अरे भगवान आप मेरी परीक्षा कर रहे। तो श्रीवास ठाकुर ने उत्तर क्या दिया बताए? अभी मेरा जन्म मेरी जाति मेरा घर मेरा सब कुछ नित्यानंद लूट के चला जाएगा, तो भी नित्यानंद के चरणों में एक क्षण के लिए मेरी श्रद्धा कम नहीं होगी। नित्यानंद 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 राम की जय। नित्यानंद शुरा पाणी जाए तथा पियो नित्यानंद घर में, वो मुझे मेरे प्राण से भी ज्यादा प्रिय है।
मैं दूसरा वरदान देता हूँ। ये श्रीवास संगम ने तो हमारा तुमको बहुत दुर्लभ भयंकर श्रीवास संगम ने धूल बनने का भगवान से रिक्वेस्ट करना। वो वृंदावन में ब्रह्मा ने वो छोटा सा गुल्म लगा कुसुम सरोवर में, ब्रह्मा ने कहा मुझे वृंदावन में तो एंट्री नहीं, थोड़ा सा मेरे को एक पौधा बना देगा तो भी बहुत। उसी प्रकार शिवा संगम में तो ब्रह्मा और नारद भी सब, ब्रह्मा शिव सब बाहर बैठे रहते हैं, बाहर से दंडवत प्रणाम करते हैं, अंदर नहीं आते। इतना उच्च स्थान एक बार गौरांग महाप्रभु उधर बैठे थे और सब भक्त लोग दंडवत प्रणाम करने को आए, गौरांग महाप्रभु ने कहा दूर से प्रणाम करो, दूर से प्रणाम। तो सब भक्तों ने कहा क्यों, इनको दिखाई नहीं दे रहा, इधर चतुर्मुख ब्रह्मा प्रणाम कर रहा है, इधर पंचमुख शिव है तो इधर प्रणाम कर रहा है, जरा दूर से प्रणाम करो उनके लिए जगह दे दो। तो इधर इधर की धूल में पंचमुख शिव और चतुर्मुख ब्रह्मा और 1000 आंखों वाला इंद्र और ब्रह्म और चंद्र वरुण सब देवी देवता इधर श्रीवास आंगन में प्रणाम करते हैं और जो भी भक्त श्रीवास आंगन में आते हैं उसके ऊपर फूल बरसाते हैं। धन्य हो तुम्हारा जन्म भारत भूमि में हुआ, धन्य हो तुमने नवदीप के लिए गीतांजलि एक्सप्रेस पकड़ लिया और इतना गर्मी सहन करके तुम किसी भी तरह जीवित रह गए, नवदीप से आगे धन्य हो। तो भी हम अभी तक पछता रहे थे क्यों इतना गर्मी से नहीं, हमें सब कुछ भगवान नवदीप में आने के लिए आपने जो गर्मी सहन किया ट्रेन में उसका बदला हर भगवान हजारों रुपए ज्यादा देंगे आपको, थोड़ा सा समस्या कितना ज्यादा। इसलिए ब्रह्मा जी सब देवी देवता है आके प्रणाम करते हैं और भगवान ने दो आशीर्वाद दिए श्रीवास को। फिर ये महाप्रकाश लीला जब हुआ 21 घंटे का, तब भगवान 21 घंटे तक सब भक्तों को अपना अपना रूप दिखाने लगे। सबसे पहले भगवान ने कहा अखिलाचार्य को मेरी सेवा पूजा करो, फिर भगवान ने श्रीवास को बुलाया श्रीवास इधर आओ, तुम्हें याद है क्या कि मेरा अवतार नहीं हुआ था तभी तुम यहाँ से बाजू में कुलर द्वीप में गए थे, नवद्वीप सिटी में हम जाएंगे कल जाएंगे, वहां गए थे और वहां देवानंद पंडित भागवत कथा बोल रहा था, वो भागुरी मुनि का होता कृष्ण लीला में भागुरी मुनि, वो देवानंद पंडित के रूप में आए, वो भागवत कथा कह रहा था और तुम जाके सभा में बैठ गए और जब वो दशम स्कंद बोलने लगा भगवान का लीला तो तुम्हारे शरीर में अष्ट सात्विक विकार पैदा हो गए, तुम्हारा शरीर गला रुंध गया, तुम्हारे बाल खड़े रह गए, तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए, तुम जमीन में लोटपोट होने लगे। तो जब देवानंद पंडित के शिष्यों को लगा कि ये तो कोई पागल आ गया है तो श्रीवास को उठा के बाहर फेंक दिया देवानंद पंडित अब सब शिष्यों ने और देवानंद पंडित ने कुछ नहीं कहा। तो गौर हरि ने कहा मुझे इतना गुस्सा आया है देवानंद पंडित के ऊपर कि देवानंद पंडित भागवत की सीट पर बैठ के भागवत का वर्णन कर रहा है लेकिन जो असली भागवत जो श्रीवास है दो भागवत होते हैं ग्रंथ भागवत और पुरुष भक्त भागवत, वो ग्रंथ भागवत का पठन कर रहा है लेकिन जो भक्त भागवत को नहीं मान रहा है, तुम साक्षात तो भक्त भागवत हो तुम नारद हो और तुम्हारा अपमान किया उसने। तभी मैं वहां आया था श्रीवास याद है तो श्रीवास ठाकुर को ये किसी को ये पता नहीं था, खाली श्रीवास को पता नहीं, श्रीवास को सुन के बेहोश हो गए कि भगवान ने उसका पूर्व का लीला का स्मरण कराया। फिर भगवान ने गंगा दास को बुलाया, गंगा दास भगवान की गुरु के स्कूल टीचर नवदीप में, गंगा दास इधर आओ तुमको याद है गंगा दास एक बार मुसलमान ने तुम्हारे गांव में अटैक किया और तुम और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे रात को 12 बजे भाग रहे थे, वो मुस्लिम के घोड़े में तुम्हारे पीछे आ तुमको मारने के लिए, तब तुमको गंगा पार करना था तो गंगा पार करोगे तो तुम बच जाओ लेकिन रात को कोई नाविक नहीं था याद है तुम्हें गंगा दास, लेकिन एक बोट आ गई नाविक आ गया तुमको पार कराया, वो मैं था गंगा दास, वो मैं था, मैं बोटमैन बन के आया, मैंने तुमको गंगा पार किया याद है क्या गंगा दास। हाय 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 महाप्रभु हाय हाय, गंगा दास भी बेहोश हो गए क्योंकि किसी को पता नहीं था, गंगा दास को पता ही नहीं था कि भगवान स्वयं आए। फिर भगवान ने बुलाया श्रीधर को, श्रीधर केला बेच रहा था, हम जाएंगे सीमंत द्वीप केले के छाल बेच रहा था, परम भक्त है भगवान का वो सुदामा कुसुमा पीड़
श्रीराम जो कृष्ण लीला में श्रीराम सखा है वो श्रीधर खोला बेचा के रूप में आए हैं। भगवान ने बोला श्रीधर को बुलाओ, तो श्रीधर को बुलाया तो भगवान ने कहा श्रीधर तुम जो गंगा की पूजा करते हो ना वो गंगा का स्वामी मैं ही हूँ, गंगा तो मेरा ही चरणाम है। तो श्रीधर ये सुन के बेहोश हो गया और श्रीधर के सामने भगवान ने पूरा वृंदावन दिखाया, सब सखा सब गायों को चरा। फिर भगवान ने हरिदास ठाकुर को बुलाया, हरिदास इधर आओ। जब हरिदास ठाकुर आ गए भगवान के पास, हरिदास तुम्हें याद है तुमको जब नवाब काजी ने तुमको अरेस्ट करने के लिए सिपाही को भेजा था तब तुम चल के उनके घर में गए थे और तुमको कहा तुम कृष्ण राम को छोड़ दो, तब तुमने क्या कहा था उन लोगों को? हरिदास ठाकुर ने कहा खंड खंड यदि देहा यदि जाए प्राण तबु न बदने आमी छाड़िबो हरि नाम। कि मेरे शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए लेकिन मेरा हर एक टुकड़ा में से क्या आवाज निकलेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो तुम हरि नाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो काजी ने कहा कि तुमको मारो इसको, पहलवान को बुलाया जो चाबुक से मारते हैं ना वैसे लोगों को बुलाया और हरिदास को लेके 22 बाजारों में वो पहलवान लोग मार रहे थे। नॉर्मली एक आदमी है वो एक दो बाजार में मर जाता है क्योंकि इतने बड़े बड़े पहलवान लोग मारेंगे चाबुक से तो कितने जिएगा, एक दो तीन बाजार में आदमी मर जाता है। लेकिन हरिदास को 22 बाजार में मारा गया तो भी हरिदास को कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि हरिदास आंखों में आंसू आ रहे हैं और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान इनको बचाइए, आप ये पता नहीं ये अपराध कर रहे इनको पता नहीं। तो भगवान ने आसन में बैठ के बोला हरिदास तुमको याद है कि जब वो तुमको चाबुक मार रहे थे ना तब मैं वहां आ गया था, मैं सुदर्शन चक्र को लेके आ गया, सुदर्शन सुदर्शन और मैं इन सब का गला काटने वाला था। लेकिन हरिदास तुम इनके लिए प्रार्थना कर रहे थे तो मैं कंफ्यूजन में हो पड़े, मैं सुदर्शन चक्र को लेके इनका गला काटने वाला हूं लेकिन तुम इनके लिए प्रार्थना कर रहे इसलिए मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए। तो मैंने क्या किया पता है हरिदास तुमको पता है? हरिदास तो एकदम मुग्ध रह गए, मैंने मेरे शरीर से तुम्हारे शरीर को ढांक दिया था और सब चाबुक का जो बार है वो तुम्हारे ऊपर नहीं आया मेरे ऊपर आया। हरिदास देखो देखो करके भगवान ने अपना कपड़ा उठाया पीछे का और उनके पूरे पेट के पीछे पूरा लाल लाल सब निशान चाबुक के। और जब हरिदास ठाकुर ने देखा हरिदास हाय, हरिदास ठाकुर मुझे बोलते हे गौरांग हे भक्त वत्सल आपके जैसा भक्त वत्सल तो ये संसार में कोई नहीं, भक्तों का न तो भक्तों का चाबुक अपने शरीर में नहीं। तो हरिदास ठाकुर मूर्छित हो गया। फिर हरिदास उठे बोले उठो हरिदास अरे मेरा ये ऐश्वर्य देखो महाप्रकाश लीला में देखो मेरा ऐश्वर्य, त्रिभंग स्वरूप कृष्ण का दिखाया हरिदास को। अरे बोले मांगो हरिदास मांगो तुमको आज मैं वरदान देना चाहता हूँ तुम्हारे हरि नाम से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। तो हरिदास ने एक वस्तु मांगा जो इतना दुर्लभ जो हम सबको मांगना चाहिए, क्या मांगा? कोमल चरणों में अपने कोमल चरणों में कोमल चरणों में स्थान लेकिन वो कैसे मिलेगा? हरिदास ठाकुर ने कहा तुम्हारा भक्तेर 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 उचिष्ट तुम्हें आपके भक्त और जो महाप्रसाद खाएंगे वो महाप्रसाद मुझे दी तो मेरा उद्धार होगा, क्योंकि आपका प्रसाद उसको महाप्रसाद कहते हैं और वो महाप्रसाद को जब आपके भक्त खाएंगे तो उसको महा महाप्रसाद महा महाप्रसाद आख्या। एक्चुअली भगवान पद्म पुराण में कहते हैं कि जब मुझे तुम अर्पण करते हो ना भोग तभी मैं नहीं खाता हूँ, जब मेरे भक्त मेरा प्रसाद मुंह में डालते तभी मैं खाता तभी मैं चखता हूँ, तो एक्चुअली में हो तभी महा महाप्रसाद होता है। तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि तीन वस्तु कृष्ण प्रेम दे सकते हैं, भगवान आप ही नहीं देते जो कृष्ण प्रेम दुर्लभ है। तीन वस्तु कौन से तीन वस्तु? भक्तेरा पद प्यारा भक्त भक्त चरण जगत तीन महाबल, तीन वस्तु भक्तों के महा
ये तीन वस्तु पीने से तुरंत कृष्ण प्रेम मिल जाता है। तो इसीलिए भगवान मुझे हमेशा, आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो मैं आपके निकट में नहीं आऊंगा क्योंकि मैं मुसलमान परिवार में जन्म, लेकिन मेरी एक ही विनती है कि आप खा लेंगे तब आपके पेट का थोड़ा सा उच्चिष्ट गोविंद मुझे ला के दे। तो हरिदास ठाकुर ने यह विनती किया, भगवान से ही आशीर्वाद मांगा कि मुझे आपके भक्तों का दास बनाइए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हरिदास ठाकुर पिछले जन्म में कौन थे? ब्रह्मा थे और अपने पोस्ट और पोजिशन से घमंडी बन गए, इसलिए वो बहुत केयरफुल रहे, एकदम तुच्छ बनाई, भक्तों का दास तुच्छ, ताकि मेरे में घमंड, वो अहंकार आए ही नहीं। भगवान फिर भगवान ने मुकुंद को बुलाया, नहीं भगवान ने मुकुंद को नहीं बुलाया, मुकुंद कीर्तन करता था तो सब भक्तों ने बुलाया, भगवान मुकुंद बाहर खड़ा है, मुकुंद को बुलाइए, मुकुंद को आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं मुकुंद को कभी कृपा नहीं करूंगा। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा मुकुंद का क्या गलती हो? तो भगवान ने कहा बेटा हमारा खंड आएंगे त्रिनागर भी सुनीचे न भाग और जाएंगे ज्ञानी, वो ये मुकुंद मेरे संग में आता है, यहाँ त्रिनागर भी सुनीचे न संकीर्तन करता है, बाद में जाके मायावादियों के साथ बैठ जाता है और उनका सुनता है कि मैं भगवान निराकार है, मेरा कोई रूप नहीं है, मेरा कोई रस नहीं है, गंध नहीं है, दोनों जगह पे जाता है, इसलिए मैं मुकुंद को दर्शन नहीं दूंगा। तो मुकुंद ने बोला मेरा जीने का कोई जरूर नहीं, गंगा जी में जाके मेरा शरीर दे दूंगा। तो बोला एक बार पूछ लो महाप्रभु से मुझे अगला दर्शन कब देंगे। तो सब लोगों ने पूछा मुकुंद को आप अगला दर्शन कब देंगे? तो भगवान ने कहा कि 10 लाख जन्म के बाद मैं मुकुंद को अगली बार दर्शन दूंगा। तो जैसे ही वो मुकुंद ने सोना, मुकुंद इधर बाहरी आंगन में नाचने लगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अरे मुझे भगवान दर्शन तो देंगे ना 10 लाख जन्म के बाद, लेकिन मेरे दर्शन तो होगा, मेरे आशा है उसको गौर हरि के शब्दों में पूर्ण विश्वास। तो जैसे ही मुकुंद नाचने लगा, हमको भगवान बोलेंगे ना 10,000 जन्म के बाद दर्शन देंगे, तो हम क्या करेंगे? हम भगवान को शाप देंगे, अरे भगवान कोई काम के नहीं हुआ, मैंने इतना भक्ति किया आपको, इतना कष्ट लेके मैं नवद्वीप में आया लेकिन मुझे दर्शन नहीं दे रहे। अरे भगवान के दर्शन के लिए तो धैर्य होना चाहिए, जन्म जन्मांतर के लिए इंतजार करने के तैयार होना, एक जन्म क्या अनेक अनेक जन्म, क्योंकि ऐसी दौलत है जो आसानी से नहीं मिलता, जिसके पास धैर्य नहीं है वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं। तो मुकुंद के पास इतना धैर्य कि उसने अरे 10 लाख जन्म के बाद मेरे सामने वो वही रूप आएगा वापस, गौरहरि का गौरांग का सुन के नाचने लगे। तो जब गौरांग ने सुना मुकुंद को बोला आप लाओ मुकुंद को, उसका सब अपराध क्षमा हो, एक मिनट में उसका सब अपराध क्षमा हो गया। क्यों? क्योंकि वो उसको मेरे शब्दों में विश्वास है। तुरंत मुकुंद को आलिंगन किया, ये भी श्रीवास आंगन में लीला हुआ, ये अनंत अनंत लीला है, लेकिन आप सब बस खाली 5 दिन के लिए आए, तो टाइम कम है, हमें नवद्वीप का यात्रा करना है, इसलिए मैं संक्षिप्त में आपको, क्योंकि आगे के स्थान सिमंत द्वीप सब मंदिर बंद हो जाए। एक बार एक ब्रह्मचारी था, वो श्रीवास आंगन में उसको कीर्तन देखना था, लेकिन उसको एंट्री नहीं था। ब्रह्मचारी ने 20 साल तक दूध पिया, कुछ नहीं खाया, दूध और फल। तो सब श्रीवास ने कहा अरे तो दूध और फल खाया है, खाली शुद्ध है, अंदर से शुद्ध है, इसको तो इधर का संकेत तो देखना चाहिए। तो एक बार श्रीवास ने ब्रह्मचारी को गौरांग के महाप्रभु को नहीं बताया, उसको छुप के लाके कोने में छुपा दिया अपने घर, बोले कीर्तन देख लो, क्योंकि भगवान के भाव भगवान से भी दयालु होते, क्योंकि भगवान ने बोला ये संकीर्तन में श्रीवास आंगन के कीर्तन में कोई नहीं आ सकता है रात को, क्योंकि यहाँ भगवान के शरीर में ऐसे ऐसे भाव पैदा होते थे कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति इधर आ जाता तो भगवान नाच नहीं पाते। भगवान श्रीवास की एक एक थी उनकी रिलेटिव, तो वो भगवान की छोटी बास्केट के अंदर, तो भगवान को नृत्य नहीं कर पा रहे, भगवान बोले आज मेरे को संकीर्तन भाव नहीं आया है, श्रीवास अंदर से कोई आ गया है। तो श्रीवास ढूंढते ढूंढते बास्केट के अंदर से उसको निकाला और बाहर जाके छोड़ दिया, तो भगवान से नृत्य चालू किया। लेकिन ब्रह्मचारी घुस के अंदर आ गया और भगवान ने पूरी रात भर नृत्य किया, लेकिन सुबह बोला श्रीवास के घर में तुम्हारा कोई अयोग्य व्यक्ति आ गया है, और इसको लाया है कि तुमने घर में? शिवाजी का प्रभु मैंने तो एक शुद्ध
ब्रह्मचारी जो 20 साल से दूध पीता है, उसको मैंने मेरे घर में छुपाया था। अरे श्रीवास, अगर दूध पीने से मुझे कृष्ण मिलते तो मैं कितने जन्मों से खाली दूध ही पीता रहता। भगवान ने कहा, भगवान दूध पीने से नहीं मिलते हैं, फल खाने से नहीं मिलते हैं, भगवान मिलते हैं त्रिणादपि सुनीचेना। तो जब ये सुना तो ब्रह्मचारी अंदर से सुन रहा था, ब्रह्मचारी का सब घमंड खत्म हो गया। उसके पास घमंड था कि मैंने 20 साल से दूध पिया है, मैं बड़ा अशुद्ध हूँ। वो घमंड खत्म हो गया और वो बाहर निकल के बाहर जाने लगा। बोला, नहीं नहीं, मैं लायक नहीं हूँ ये लीला के लिए। तब गौरहरि ने उसको बुलाया, बुलाओ बुलाओ ब्रह्मचारी को। और ब्रह्मचारी को आलिंगन किया, बोलते अभी तुम लायक, अभी तुम लायक बन गए मेरी लीलाओं में, क्योंकि अभी तुम नम्र बन, तुम्हारे में नम्र भाव आ गया। दूध खाने से और खाली एप्पल खाने से, सब मतलब फ्रूट खाने से तुम घमंडी मत बनो। कभी कभी एकादशी के दिन कोई भक्त लोग निर्जल उपवास करते हैं, कुछ नहीं, और कई भक्त लोग एकादशी का अनुकल्प करते हैं, लेकिन वो दूसरे भक्त खाने को बैठने फरार उपवास कर, तो ये निर्जला भक्त को देख के हंसना नहीं चाहिए। देखो ये सब खा रहे हैं, मैं खाली पानी पी के बिना रह रहा हूँ। तो एकादशी का सब व्रत खत्म हो, क्योंकि जब घमंड आ गया तब वो एकादशी में आप 1 करोड़ एकादशी कीजिए, खाली पानी निर्जला, तो भी भगवान को वो प्रसन्न नहीं। नम्र भाव बहुत जरूरी है। जो निर्जला करता है एकादशी, पानी भी नहीं पीता है, उसको सोचना चाहिए कि अरे मैं इतना पापी हूं कि ये सब भक्त तो इतने आगे बढ़े हुए हैं, ये तो प्रसाद खाएंगे तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे बहुत पाप खत्म करना है, इसलिए मैं पानी भी नहीं पीऊं मरेगा। और जो भक्त प्रसाद देने के लिए बैठे उनको सोचना चाहिए, अरे हम इतने पापी है कि हम जीभ को भी कंट्रोल नहीं कर पाए, महीने में 2 बार तो हमको कुछ ना कुछ देने पड़े, लेकिन देखो वो कितने महान भक्त हैं, निर्जला कर रहे हैं। तो हर भक्त के हृदय में नम्र भाव रहना चाहिए, तभी तो हम गौरहरि को प्रसन्न कर सकते हैं। घमंड आ गया तो कितना भी तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं हो। दूसरा एक लीला हुआ, गोपाल चपल नाम का एक बड़ा ब्राह्मण था नवदीप में, उसको इधर शिवासंगम की लीला देखना था, लेकिन उसको एंट्री नहीं, इधर अंदर दरवाजा रात को बंद हो जाता, सब लोग आने नहीं। तो गोपाल चपल को इतना गुस्सा आ गया श्रीवास के ऊपर कि उसने रूह का मटका और लाल देवी का पूजा का सामग्री लाके रात को इधर दरवाजे के बाहर रख दिया, सब गंदा गंदा जो तमोगुण का पूजा है। और सुबह के टाइम जब दरवाजा खुला तब श्रीवास ने सब गांव नवदीप के लोगों को कहा, ने सब नवदीप के लोगों को बुला बुला, देखो मैंने कहा था ना ये सब लोग रात को दारू पीते हैं, रात को ये सब कन्याओं को लाते हैं, तमोगुण तांत्रिक ये सब करते हैं, तो श्रीवास ठाकुर ने बहुत नम्र भाव, कुछ नहीं, लेकिन वहां छपल को लेप्रसी कुछ तो, उसका नाक पिघल गया, उसका हाथ पिघल गया, इतना खराब, क्योंकि उसने श्रीवास ठाकुर का इतना महान अपराध किया, श्रीवास ठाकुर को बदनाम किया, तो उसको ना अपना घर के छोड़ के उसको गंगा घाट में रहने के लिए, वो अपना घर में भी नहीं रह सकता है। तो भगवान ने जब वापस श्रीवास आंगन में आए जगन्नाथपुरी से, तब वो गोपाल चपल का उद्धार किया, गोपाल चपल को बोला तुम जाके श्रीवास का क्षमा मांगो, क्योंकि वो अपराध क्षमा नहीं हुआ, 20-30 साल तक उसको कुष्ठ रोग सहन करता, इसलिए श्रीवास ठाकुर का अपराध जो करेगा वो तो नारद जी का अपराध के लिए तो कोई उद्धार नहीं है, मन के पास जाना पड़ेगा क्षमा मांगने के लिए। और आखिरी लीला में बताता हूँ, बहुत अनंत लीला है, लेकिन अभी एक सबसे आखिरी लीला जो बहुत सुंदर है, मैं जब भी अंदर देखता हूँ मुझे वही लीला का स्मरण होता है। श्रीवास ठाकुर का एक पुत्र था, तो एक बार पूरा रात भर भगवान का संकीर्तन चल रहा था, रात को लगभग 12 बजे का टाइम था, 11-12 बजे, और संकीर्तन जो जैसे रत्नमुखी प्रभु ने कीर्तन किया वो तो कुछ नहीं है, वो तो एक ड्रॉप है, जो रोज यहाँ कीर्तन चलता है इतना इधर की आवाज ब्रह्मलोक तक जाती है, ऊपर पूरे ब्रह्मांड में, यहाँ रोज रात को गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पंच तत्व। तो उस समय 11-12 बजे
श्रीवास ठाकुर का एक पुत्र मर गया अंदर, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो श्रीवास ठाकुर तुरंत ही अंदर गए, क्योंकि वो कीर्तन हो रहा था तो आवाज भगवान को नहीं सुनाई दिया। तो श्रीवास ठाकुर अंदर गए, भगवान श्रीवास ठाकुर और मालिनी को कहा, अरे मेरी पत्नी तुम मूर्ख हो, तुम्हारे वैसे अगर ये प्रभु मेरे प्रभु गौरांग महाप्रभु का संकीर्तन एक सेकंड के लिए भी बंद होगा तो तुम जान लेना कि मैं गंगा में जाके आत्महत्या कर लूंगा। ये स्वयं रजेंद्र नंद कृष्ण जो अनंत ब्रह्मांड के नाथ है वो मेरे आंगन में नाच रहे हैं, वो मेरे आंगन में आए हुए हैं, कितना सौभाग्य है मेरे जीवन का। और उनका संकीर्तन अगर एक क्षण के लिए भी बंद होगा तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। शांत रहो, जाओ शांत हो जाओ। अरे मालिनी तुम जानते नहीं हो कि ये कितना कितना भाग्यवान है, भगवान की संकीर्तन में ये चला गया है, उसको डायरेक्ट भगवान का धाम मिले। तो सब वापस चालू हो गया। लेकिन भगवान ने जब विश्राम किया सर, बोला शिवा तुम्हारे घर में कुछ अशुभ हुआ है, मैं जानता हूं, भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान से शिवा ने कहा लाओ तुम्हारे पुत्र को बाहर लाओ। तो श्रीवास ठाकुर सब अपने पुत्र को बाहर लाए और पुत्र को यहाँ सुलाया गया और भगवान ने पुत्र की छाती के ऊपर रखा, बोले तुम वापस आ जाओ। तो ये आत्मा तो भगवान का अणु अंश है, आत्मा किधर भी जाएगा भगवान उसको बुला सकते। तो वो तुरंत श्रीवास का पुत्र वापस उठ के खड़ा हो गया और तुरंत हाथ जोड़ा भगवान को, हे प्रभु मुझे आपने वापस क्यों बुलाया। तव इच्छा मते जीवेर जनम मरण, तव इच्छा सुख समृद्धि संगठन। भगवान आपकी इच्छा से मेरा आप श्रीवास जैसे महान भक्त के घर में जन्म हुआ, आपकी इच्छा से मैं चला गया और आपकी इच्छा से वापस आया हूँ। आपकी इच्छा से सुख है, आपकी इच्छा से दुख है, आपकी इच्छा से संगठन है, आपने मुझे क्यों बुलाया। मैंने कितने जन्मों में कितने माता पिता ले चुका हूँ, लेकिन मेरा ये जन्म सफल हुआ क्योंकि मुझे नारद जी श्रीवास के जैसे माता पिता मिले। मैं आपके संकीर्तन में मेरा आखिरी सांस आया, भगवान मैं धन्य हो गया हूँ। ये सुन के वापस वो मर गया। और भगवान इतने भाव में आ गए श्रीवास के पुत्र को देखिए, तब चारों भाई मिलके यहाँ भगवान गौर हरि को दंडवत प्रणाम किया और चार भाई रो रहे हैं, अपने आंसुओं से भगवान के चरण धो रहे हैं। और तब गौर निताई ने दोनों भाइयों को उठाया, चारों भाइयों को, बोला अरे श्रीवास तुम चिंता मत करो, मैं और निताई तुम्हारे सनातन पुत्र हैं। गौर निताई हम श्रीवास ठाकुर ने कहा कि नित्यानंद और गौरांग ये आप मेरे सनातन पुत्र हैं। और भगवान इतना प्रसन्न हुए श्रीवास पे कि वो अपना वो जो मृत शरीर है उसके पुत्र का वो हाथ में उठाया। और यहाँ श्रीवास अंगन से भगवान गंगा के किनारे में तट में गए और जैसे ही उसका शरीर भगवान गंगा में लेने वाले थे, गंगा जी भी भाव से विभोर हो गई और गंगा जी वो मगर पे बैठ के आ गई। गंगा जी का स्वरूप देखा है किसी ने? गंगा जी सफेद रंग की है, वो मगर पे बैठ जाती है, बहुत सुंदर मकर कुंडल पहनती है गंगा जी। वो स्वयं पानी से निकली और वो हाथों से श्रीवास का पुत्र भगवान के हाथों से स्वयं गंगा जी ने लिया और अंदर समा लिया। तो श्रीवास ठाकुर की गुणां हा कृष्ण राधिकानाथ प्रार्थनादि भावनां धूप दीप कस्तूरी च चंदनादि लेपनां सीतानाथ द्वैत चार नारविंद भावना सीतानाथ द्वैत चार
নারবিন্দ ভাবনা সীতানাথ দ্বৈত চর নারবিন্দ ভাবনা বারি মনহারি তুলসাদি মঞ্জরি কৃষ্ণ জ্ঞান সদা ধ্যান প্রেম বারি ঝরঝরি কৃপাবধি করুণানাথ ভবিষ্যতি প্রার্থনা সীতানাথ দ্বৈত চর নারবিন্দ ভাব।